ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी भाग द्वितीय के विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं ब्रौणिकी से संबंधित है। ये उनकी इकाई सेकंड के अंदर है। टॉपिक है हमारा सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, आद्य आवर्त बीजियों के कुछ उदाहरण। आद्य आवर्त बीजी पादप अधिकांशतः क्लास लिग्नोसी के अंदर ऑर्डर मैग्नोनियल से संबंधित हैं, जिसमें कई फैमिलीज हैं, जिसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं आपके माइकेलिया, चंपका, उसके वर्गीकरण की बात करें क्लास लिग्नोसी, ऑर्डर मैग्नोलियस, फैमिली मैग्नोलियसी, जीनस माइकेलिया। हैबिट हैबिटेट की बात करें तो ए टॉल ग्रेसफुल एवरग्रीन ट्री विद डार्क ग्रे बार्क, कल्टीवेटेड, फ्लावरिंग मेनली ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। जो इसका प्रकृति है वो एक लंबी सुंदर सदाहरित वृक्ष हैं, जिसके अंदर गहरे भूरे रंग की छाल पाई जाती है। कल्टीवेटेड हैं, फ्लावरिंग इसके अंदर अप्रैल से जून के अंदर होती हैं। रूट की बात करें, जड़ टैप रूट ब्रांच्ड मूसला जड़ तंत्र पाई जाती है जो शाखित होती हैं। स्टेम की बात करें, एरियल इरेक्ट ब्रांच्ड वुडी सॉलिड, तना इसमें वायवीय होता है, उर्दू होता है, शाखित होता है, कास्टीय होता है और सॉलिड। लीफ की बात करें, रेमल अल्टरनेट स्टिपुलेट स्टिप्यूल्स कन्वोल्यूट पिटियोलेट सिंपल ओवेट और ओब्लॉन्ग लेंसियोलेट एंटायर विद एक्यूट एपेक्स कोरिशियस ग्लेब्रस डार्क ग्रीन रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट, जिसमें पत्तियाँ होती हैं वो शाखीय होती हैं, अर्थात जो शाखाओं पर लगी होती हैं, एकांतरित होती हैं, अनुपर्णी होती हैं। पिटियोलेट पर्णव्रंथ पाया जाता है, सरल प्रकार की होती है, अंडाकार से प्रति अंडाकार भालाकार। इसका जो मार्जिन होता है वो अच्छिन्न कोर होता है। इसका जो एपेक्स है वो एक्यूट होता है, निशिताग्र होता है, कोरिशियस चर्मिल होती है, ग्लेब्रस चमकीली या रोम रहित होती है, डार्क ग्रीन गहरे रंग की होती है और इसके अंदर जो शिरा विन्यास पाया जाता है वो जालिकावत पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, पुष्पक्रम क्लस्टर ऑफ एक्जिलरी फ्लावर्स, इसके अंदर कक्षस्थ पुष्पों का झुंड पाया जाता है, क्लस्टर पाया जाता है। फ्लावर की बात करें, ब्रेक्टिएट सपत्री पेडिसिलेट सवृंती पेडिसिल सॉर्ट, जो इसमें पुष्पव्रंथ पाया जाता है वो छोटा पाया जाता है। ई ब्रेक्टियोलेट, इसके अंदर सपत्रिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, कंप्लीट पूर्ण होता है, रेगुलर नियमित हैं, एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी, हाइपोगाइनस जायांगधर, स्पायरोसाइक्लिक सर्पिल और चक्रिक होती हैं, पैल येलो फीका पीला कलर का, वेरी फ्रेग्रेंट और खुशबूदार होते हैं, लार्ज बड़े होते हैं। पेरियंथ परिदल की बात करें, परिदल पुंज यूजली नाइन टेपल्स, परिदल नौ पाए जाते हैं, थ्री वल्स ऑफ ईच, तीन तीन के तीन वल्स पाए जाते हैं, आइदर ऑल दी थ्री वल्स पेटालोइड, या तो तीनों ही वर्ल होते हैं वो दलाब होते हैं, और समटाइम्स द आउटर मोस्ट ऑफ थ्री टेपल्स, या सबसे बाहर के जो तीन परिदल होते हैं बिकम सेपालोइड और वो बाह्य दलाब हो जाते हैं। देन उसके बाद कैलिक्स एंड कोरोला एंड डिस्क्राइब्ड एज अंडर। अगर आउटर मोस्ट
जो तीन परिदल होते हैं अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो हम उसके बाद कह सकते हैं कि उसके अंदर बायदल पुंज और दल पुंज पाए जाते हैं, जैसे कि वर्णन किया गया है। ये माइकेलिया चंपका का फ्लावर हैं और इसके अंदर जो पर्ण दिखाई दे रही हैं उसकी बात थी। कैलिक्स की बात करें, बाहेदल पुंज थ्री तीन होते हैं, फ्री स्वतंत्र होते हैं या पॉलीसेपेलस कंडीशन है, ग्रीनिश हरे होते हैं, वॉल्वेट फोर स्पर्शी होते हैं, इन्फीरियर अधोवर्ती होते हैं। कोरोला की बात करें, दलपुंज सिक्स छः होते हैं इन टू वल्स ऑफ थ्री ईच, तीन तीन के दो वल्स पाए जाते हैं। कॉरिपिटलस फ्री स्वतंत्र होते हैं, दोज ऑफ द आउटर वल्स वॉल्वेट, जो सबसे बाहर का जब वर्ल्ड जो चक्र होता है वो कोर स्पर्शी होती है, वेर इज दोज ऑफ द इनर वल्स नैरो, और जो अंदर का जो चक्र होता है वो संकरा एंड ट्विस्टेड और वो व्यावर्तित होता है। पैल येलो फीके पीले रंग के होते हैं, प्रेग्नेंट खुशबूदार होते हैं, इन्फीरियर अधोवर्ती होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें, उमंग इंडेफिनेट असंख्य, पॉलीएंड्रस स्वतंत्र पुंकेसरी, स्पायरली अरेंज्ड सर्पिल क्रम में व्यवस्थित, डिस्टिंग्विश इनटू फिलामेंट कनेक्टिव एंड एंथरलॉप्स, ये कुतंतु योजी एवं पराकोष में विभेदित होते हैं। डायथिकस द्विकोष्ठी होते हैं, बेसिफिक्स्ड आधार लग्न, डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल जो इसमें स्पुटन होता है वो अनुदेती होता है, एक्सट्रोस बहिर्मुखी। गाइनेशियम की बात करें, जायांकी पॉलीकार्पेलरी, बहुअंडपी एपोकार्पस, व्युक्तांडपी सुपीरियर जो ओवरी होती है वो उसमें ऊर्ध्ववर्ती होती है, स्पायरली अरेंज्ड ऑन ए कॉन लाइक और सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं एक शंकु के आकार में, एंड इलोंगेटेड थैलेमस, इसके अंदर जो थैलेमस या पुष्पाशन होता है वो इलोंगेटेड या लंबा होता है। ईच कार्पल विद ए स्वलन ओवेरी, एक अंडक के अंदर जो फूला हुआ अंडाशय होता है, कर्व्ड स्टाइल, मुड़ी हुई वर्तिका एवं बीक्ड एंड सिंपल स्टिग्मा और सरल प्रकार की वर्तिकाग्र पाया जाता है। यूलिन लोक्युलर एक कोष्टी होता है, प्रेजेंटेशन मार्जिनल, सीमांत बीजान्यास पाया जाता है, मैनी ओवल्स इन ईच कार्पेल, एक अंडप में कई बीजांड पाए जाते हैं। फ्रूट या फल की बात करें, एन इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का पुंज पाया जाता है इसके अंदर, डार्क कलर्ड विथ वाइट स्पेक्स, जो फ्रूट होते हैं वो गहरे कलर के होते हैं और उस पर स्पेक्स पाए जाते हैं सफ़ेद कलर के। सीड की बात करें, बीज लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोष युक्त होते हैं, एंडोस्पर्म कोपियस जो भ्रूणपोष होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एम्ब्रियो स्मॉल जो भ्रूण होता है वो छोटे छोटा होता है। पॉलिनेशन की बात करें, एंटमोफिलस कीट परागित होता है। ये माइकेलिया चंपका का डायग्राम है जिसके अंदर उसके ट्विग दिखा रखी है, जिसमें फ्लावर और उसके अंदर पर्ण दिखाए गए हैं, और सबसे नीचे के डायग्राम में फ्लोरल डायग्राम है, पुष्प आरेख है जिसमें नौ टेपल्स दिखाए गए हैं, सबसे आउटर मोस्ट में तीन, फिर उससे अंदर की तरफ तीन और सबसे अंदर की तरफ तीन। तो सबसे बाहर की जो तीन हैं वो कैलिक्स के फॉर्म में काम करते हैं अगर वो सेपलॉइड हो जाते हैं, और अंदर के छः पेटल्स का काम करते हैं। तो ये माइकेलिया चंपका के बारे में डिस्क्रिप्शन था, और जो उसकी प्लांट को डिस्क्राइब करता है। सेकंड जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है वो है आपका इलिशियम। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो वर्ग इसका लिग्नोशी है, गण उसका मैग्नोलियल्स हैं, कुल इसका इलिशियसी है और वंश इसका इलिशियम है। ये पुष्प चक्र भी कहलाते हैं, आप इसको डायग्राम में दे रखे हैं उसमें देख सकते हैं। इसके प्रकृति की बात करें तो ये वृक्ष या झाड़ी होते हैं, ट्री और शब्स हो सकते हैं। हैबिटेट की बात करें आवास की, तो सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रूट या जड़ की बात करें, टैप रूट मूसलाधार तंत्र हैं, ब्रांच्ड शाखित हैं। स्टेम की बात करें, एरियल
वायवीय इरेक्ट ऊर्ध्व ब्रांच्ड शाखित वुडी काष्ठीय सॉलिड सिलेंड्रिकल बेलनाकार। लीफ की बात करें पर्ण सिंपल सरल प्रकार की अल्टरनेट एकांतरित एक्सिस्टिपुलेट अननुपर्णी एंटायर विद एक्यूट एपेक्स अछिन्न कोर होती हैं और इसका जो पर्ण शिखाग्र होता है निश्चिताग्र रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट एक सीरीय जालिका वसेरा विन्यास। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें पुष्पक्रम तो एक्जिलरी कक्षीय पाया जाता है साइमोज होता है सशिमाक्सी फ्लावर ब्रेक्टिएट होते हैं सपत्री पेडिसलेट पुष्प व्रंति एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत हाइपोगाइनस जायांगधर। पेरेंथ की बात करें परिदलपुंज फ्री स्वतंत्र होते हैं वॉल्वेट कोरस्पर्सी और एम्ब्रिकेट कोरछादी होते हैं। एंडोशियम की बात करें इनडेफिनेट असंख्य पॉलीएंड्रस स्वतंत्र पुंकेसरी डायथिकस द्विकोष्ठी बेसी फिक्स्ड आधार लग्न डेइसेंस लॉन्गिट्यूडनल जो इसमें स्पुटन होता है वो अनुदेद्य होता है। गाइनेशियम या जायांग की बात करें पॉलीकार्पेलरी बहुअंडपी एपोकार्पस वृत्तांडपी प्लेसेंटेशन बेशल इसमें आधारी प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है। फ्रूट फॉलिकल्स फॉलिकल प्रकार के पाए जाते हैं सीड स्मॉल होता है छोटा होता है एंडोस्पर्मिक भ्रूण कोष वाला होता है एंडोस्पर्म कोपिशियस कोपियस जो इसमें भ्रूण कोष होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है एम्ब्रियो स्मॉल एम्ब्रियो इसके अंदर भ्रूण छोटा होता है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप इसकी ट्विक देख सकते हैं और एलएस ऑफ फ्लावर है पुष्प का जो अनुदैत्य काट है उसको देख सकते हैं स्टेमन की मॉर्फोलॉजी आकार की देख सकते हैं ओवरी के बारे में डायग्राम दे रखा है फ्लोरल डायग्राम दे रखा है इसका पुष्पीय आरेख जिसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डिजिनेरिया जिसका वर्गीकरण वर्ग लिग्नोसी है ऑर्डर मैग्नोलियल्स हैं फैमिली डिजिनेरियसी हैं जीनस डिजिनेरिया है। हैबिट प्रकृति की बात करें ट्रीज हैं वृक्षीय हैं हैबिटेट की बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के अंदर पाए जाते हैं। रूट की बात करें जड़ें तो मूसला जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम है ब्रांच्ड शाखित होता है। स्टेम की बात करें एरियल वायवीय हैं इरेक्ट ऊर्ध्व हैं वुडी कास्टी हैं सिलेंड्रिकल बेलनाकार हैं। लीफ पर्ण की बात करें सिंपल अल्टरनेट सरल एकांतरित एक्सिस्टिपुलेट अनुपर्णी एंटायर विद ऑब्ट्यूस एपेक्स इसके अंदर अछिन्न कोर और जो इसका एपेक्स होता है वो कुंठाग्र होता है रेटिकुलेट वेनेशन जलिका शिराविन्यास पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम की बात करें टर्मिनल फ्लावर अंतस्थ पुष्प पाया जाता है। फ्लावर की बात करें पेडिसिलेट सवरंति कंप्लीट पूर्ण एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी हाइपोगाइनस जायंगदर साइक्लिक चक्रिक। ये डिजिनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इसकी पर्ण और पुष्प को दिखाया गया है। कैलेक्स की बात करें बायदलपुंज तीन होते हैं गेमोसेपेलस संयुक्त बायदली वॉल्वेट कोरस्पर्सी परसिस्टेंट चिरस्थाई कोरोला। दलपुंज की बात करें तो 12 से 15 पाए जाते हैं इसमें पेटल्स और ये 2 से 3 चक्रों में पाए जाते हैं। फ्लैसी होते हैं मांसल होते हैं वॉल्वेट और स्पर्शी होते हैं कैड्यूकस आशुपाती होते हैं जल्दी जड़ जाते हैं। एंडोसियम कोमंग की बात करें इंडेफिनेट स्टेमंस जो होते हैं वो असंख्य होते हैं नॉट डिस्टिंग्विश इनटू फिलामेंट एंड कनेक्टिव और ये कुतंतु और योजि में विभेदित नहीं होते हैं। गाइनेशियम की बात करें जायांग मोनोकार्पिलरी एक अंडोपी यूनिकोलोक्युलर एक कोष्टीय ओवरी सुपीरियर अंडा से ऊर्ध्ववर्ती स्टाइल एब्सेंट जो इसमें वर्तिका होती है अनुपस्थित होती है स्टिग्मा डिकरेंट होता है और वर्तिकाग्र इसमें अधोवर्ती होता है। फ्रूट की बात करें फल लार्ज बड़े आकार का कोरिशियस चर्मिल होता है इंडेसेंट बेरी अस्पुटनसिल बेरी प्रकार का इसमें फल पाया जाता है। सीड की बात करें बीज फ्लैट चपटे होते हैं एंडोस्पर्मिक भ्रूण पोष वाले होते हैं। ये इसका डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आप उसकी ट्विक देख सकते हैं
जिसमें सीड दिखा रखा है, स्टेम लीफ के बारे में बात की गई है, कार्पेल के अंदर जो स्टिग्मेटिक क्रेस्ट है एक साइड के अंदर दिख रहा है, जो डिकरेंट है अधोवर्ती है, और इसके अंदर जो कार्पेल हैं वो ओपन टाइप का है, और स्टेमेंस के बारे में भी डायग्राम दे रखा है जो, और माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर दो पाई जाती है जो मध्य सिरा के दोनों तरफ बंदी उत्तक में धसी हुई रहती हैं। जो चौथा उदाहरण है वो है हेमेंटेंड्रा का, उसके वर्गीकरण की बात करें, वर्ग लिग्नोसी हैं, गण मैग्नोलियल्स हैं, कुल इसका हेमेंटेंड्रेसी है और वंश इसका हेमेंटेंड्रा है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में ये वृक्षीय पाए जाते हैं, ट्रीज़ के फॉर्म में पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें, आवास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। रूट की बात करें, जड़ें या मूल की बात करें, टैप रूट मूसला जड़ तंत्र पाई जाती है, ब्रांच्ड शाखित होती है। स्टेम की बात करें, एरियल इरेक्ट होता है, वुडी सिलेंड्रिकल वायवीय ऊर्ध्व काष्ठीय बेलनाकार कवर्ड विद स्केल के द्वारा आच्छादित होता है। मेडुलरी रेज हेट्रोजीनस, जो मज्जारश्मियाँ होती हैं वो विसमांगी प्रकार की होती हैं। ट्राइलेकुनर नोडल एनाटोमी, त्रिरिक्त की प्रकार की इसमें पर्वसंधि पाई जाती हैं। लीफ की बात करें, पर्ण सिंपल अल्टरनेट सरल एकांतरित एक्सस्टिपुलेट अननुपर्णी एंटायर विथ ऑब्ट्यूज एपेक्स अच्छिन्न कोर कुंठाग्र होता है इसके अंदर इसका पर्ण शिखाग्र रेटिकुलेट वेनेशन जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो पुष्पक्रम होता है वो सोलिटरी एक्जिलरी एकल कक्षस होता है। फ्लावर ब्रेक्टिएट पेडिसलेट सपत्री सवृंति कंप्लीट पूर्ण एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत होता है। डाइमेरस द्वितयी होता है, हर्मेफ्रोडाइट उभयलिंगी होता है, हाइपोगाइनस डायंगधर साइक्लिक चक्रिक। ये हेमेटेंड्रा का फ्लावर दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। कैलिक्स की बात करें, बाहदल पुंज टू दो होते हैं सेपल्स, कैलिप्ट्रेट होते हैं, कैलिप्टा युक्त होते हैं। कोरोला की बात करें दलपुंज की, तो पेटल चार होते हैं इसमें, गेमोपेटलस संयुक्त दली कंडीशन है, वॉल्वेट है, पुरस्पर्शी। एंडोस्टियम की बात करें पुमंग की, तो स्टेमंस इनडेफिनेट पुंकेसर असंख्य होते हैं, इन मैनी वल्स कई चक्रों में पाए जाते हैं, सम स्टेमंस आर स्टेराइल इन आउटर एंड इनर वल्स, कुछ पुंकेसर इसके अंदर बाह्य और इनर अंदर के चक्रों के अंदर बंदी होते हैं, नॉट डिस्टिंग्विश इनटू फिलामेंट कनेक्टिव, और ये पुतंतु और योजी में विभेदित नहीं होते हैं। लेमिनार पर्निल होते हैं एंड ट्राई नर्व त्रिसीरिय होते हैं, तीन सिराएं पाई जाती हैं। पोलन ग्रेन मोनोकॉल्पेट जो पराकण होते हैं वो एक विदर की होते हैं। टाइनिशियम जायंग की बात करें तो 6 से 15 इसमें कार्पल या अंडम पाए जाते हैं, इनिशियली ये फ्री होते हैं मतलब स्वतंत्र होते हैं, लेटर ऑन फ्यूज बाद में ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे से संयुग्मित हो जाते हैं। स्टाइल सिंपल वर्तिका इसमें सरल होती है, स्टिग्मा डीकरंट जो वर्तिकाग्र होता है वो अधोवर्ती होता है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट या फल इसमें रेड कलर बेरी पाए जाते हैं, लाल कलर के बेरी फल पाए जाते हैं। सीड बीज की बात करें, एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोष वाले एंड एम्ब्रियोस्माल, और इसके अंदर जो भ्रूण होता है वो छोटे आकार का होता है। ये हेमेंटेंड्रा का एक ट्विग है जिसके अंदर पत्तियाँ दिखा रखी हैं, पत्तियों के अंदर आपको दिख सकता है जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है, और जो सिराएं हैं वो मार्जिन के ऊपर लोब बनाती हुई दिखाई देती हैं जो एक आद्य लक्षण है। स्टिमन देखें हेमेंटेंड्रा का तो मध्य सिरा के दोनों तरफ बंदी उत्तक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धनिया धसी हुई रहती हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन पराकणों का निर्माण होता है। जो पांचवा उदाहरण है वो है ट्रोकोडेंड्रॉन, वर्गीकरण देखें इसका, वर्ग लिग्नोसी है, गण मैग्नोलियल्स हैं, कुल इसका ट्रोकोडेंड्रेसी है, जीनस ट्रोकोडेंड्रॉन है। हैबिट प्रकृति की बात करें तो वृक्षवत हैं, वृक्षीय हैं, ट्रीज फॉर्म्स में पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो आवास का ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रूट मूल की बात करें, टैप रूट मूसला जड़ तंत्र ब्रांच्ड शाखित हैं। स्टेम
एरियल इरेक्ट वुडी सिलेंड्रिकल वायवीय उर्दू कास्टीय बेलनाकार लीफ पर्ण की बात करें सिंपल पिटियोलेट सरल व्रंति सीडोवर्टिसलेट। इसमें जो आभासी चक्रिक इसके अंदर लीफ का जो अरेंजमेंट पाया जाता है एक्सिस्टिपुलेटेड अननुपर्णी मार्जिन सीरेट क्रकंची प्रकार का इसमें जो मार्जिन पाया जाता है लीफ का रेटिकुलेट वेनेशन और जलिका सिराविन्यास इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जो इसमें है रेसिमोज रेसिम असीमाक्षी असीमाक्स फ्लावर पेडिसलेट व्रंति होते हैं सव्रंति एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित 2 से 5 ब्रेक्टियोल्स इसके अंदर 2 से 5 सपत्रिकाएँ पाई जाती हैं हर्मेफ्रोडाइट उभयलिंगी हाइपोगाइनस जयंघर है ये ट्रकोडेंड्रोन का प्लांट है जिसके अंदर लीफ और फ्लावर दिखाए गए हैं। पेरियंत एब्सेंट है इसका अर्थ हुआ इसके अंदर जो ब्रेक्टियोल्स हैं वो पेरियंत के फॉर्म्स पेरियंत का ही मॉडिफिकेशन है और रिमिनेंट रूप में पाई जाती हैं अवशेष के रूप में पेरियंत के अवशेष के रूप में 2 से 5 इसके अंदर सपत्रिकाएँ पाई जाती हैं। एंडोशियम की बात करें इंडेफिनिट स्टेमस जो होते हैं वो असंख्य होते हैं पॉलियंड्रस स्वतंत्र पुकेसरी होते हैं अरेनिन 3 to 4 वल्स 3 से 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं कॉन्वेक्स थैलेमस जो उभयतल पुष्पासन पाया जाता है उसके ऊपर पाए जाते हैं फिलामेंट लॉन्ग जो उसका पुतंतु होता है लंबा होता है डाइथिकस द्विकोष्ठी डेसेंस लॉन्गिट्यूडनल लंबवत या अनुदैर्ध्य इसके अंदर स्पुटन पाया जाता है गाइनेशियम या जायंग की बात करें 4 से 11 कार्पल 4 से 11 अंडप पाए जाते हैं इन्हें सिंगल वॉल्ड एक ही चक्र में ऑन थैलेमस पुष्पासन पे पाए जाते हैं एपोकार्पस युक्तांडपी हैं यूनिलेक्युलर एक पोस्टीय ओवरी सुपीरियर जो इसमें अंडाशय हैं वो ऊर्ध्ववर्ती होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन सीमांत बीजान्यास स्टाइल एंड स्टिग्मा कर्व जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं फ्रूट फल की बात करें फॉलिकल्स होते हैं लेटरली फ्यूज टू फॉर्म फॉलिसेटम जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं वो पार्श्व रूप से संयुक्त होकर और फॉलिसेटम का निर्माण करते हैं लॉन्गिट्यूडनली डिसेंड फ्रॉम टिप और सीड से अनुदैर्ध्य या लंबवत रूप से स्फुटित होते हैं सीड की बात करें बीज स्टेराइल ओव्यूल्स प्रेजेंट बीजों के अंदर कई बंद्य बीजांड पाए जाते हैं ये ट्रकोडेंड्रोन एरेलॉइडिस का डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर ट्विग हैं ट्विग के अंदर फ्लावर और लीफ दिखा रखी है और उसके बाद फ्लावर का डायग्राम है जिसमें एंडोशियम असंख्य प्रकार के दिख रहे हैं और फ्रूट का डायग्राम दिखा रखा है और उसके साथ ही जो फ्लावर है उसका वर्टिकल सेक्शन दिखा रखा है वीलस और एंथर का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है। सबसे लास्ट में जो छठा उदाहरण देखें हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का आद्यावर्त बीजी पादपों का तो वो है ड्रिमिस उसके वर्गीकरण की बात करें क्लासिफिकेशन तो वर्ग इसका लिग्नोसी है जो गण हैं मैग्नोलियस हैं कुल विंट्रेसी हैं और जीनस ड्रिमिस हैं। ये ड्रिमिस का डायग्राम दे रखा है फोटो है प्लांट का ड्रिमिस के हैबिट या प्रकृति की बात करें तो ट्रीज और सब्स वृक्षवत हो सकता है या झाड़ी नुमा हो सकता है। हैबिटेट की बात करें आवास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है रूट जो मूल हैं टैप रूट मूसला जड़ तंत्र ब्रांच्ड शाखित हैं। स्टेम की बात करें जो तना है वो एरियल इरेक्ट वायवीय उर्दू वुडी कास्टीय सिलेंड्रिकल बेलनाकार एंड वेसललेस जाइलम। ड्रिमिस के जो स्टेम हैं या जाइलम की जो विशेषता है कि इसके अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती एंजियोस्पर्म है और वेसल नहीं पाई जाती तो वेसल लेस एंजियोस्पर्म का उदाहरण ड्रिमिस है। लीफ की बात करें पर्ण सिंपल सरल प्रकार की अल्टरनेट एकांतरित एक्सिस्टिपुलेट अननुपर्णी पिटियोलेट
पर्णव्रंथ युक्त एंटायर विथ एन एक्यूट टू एक्यूमिनेट एपेक्स, अच्छिन्न कोर होती हैं और निश्चित अग्र से लंबाग्र इसका लीफ एपेक्स होता है, पर्ण शिखाग्र होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, शाखित चलिकावस शिराविन्यास पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस पोस्टपुरम की बात करें सोलिटरी एक्जिलरी एकल कक्षस होता है, फ्लावर पेडिसलेट सवरंती होता है, कंप्लीट पूर्ण हर्मेफ्रोडाइट द्विलिंगी हाइपोगाइनस जायंगर। कैलिक्स या बायदल पुंज की बात करें तो 2 से 4 2 to 4 सेपल्स पाए जाते हैं, बायदल पाए जाते हैं, गेमोसेपेलिस जो बायदल होते हैं वो संयुक्त होते हैं, संयुक्त बायदली होती है, मेम्ब्रेनस और कोरिशियस झिल्लीनुमा हो सकते हैं या चर्मिल हो सकते हैं। कोरोला की बात करें दलपुंज की तो 4 से 25 4 to 25 पेटल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, 4 से 25 दल पाए जाते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है, स्वतंत्र दली कंडीशन पाई जाती है, मेम्ब्रेनस झिल्लीनुमा पाए जाते हैं, एम्ब्रिकेट कोर छादी विन्यास पाया जाता है, एस्टिवेशन दल विन्यास, एंड्रोशियम इंडेफिनेट जो स्टेमस होते हैं वो असंख्य होते हैं, पॉलीएंड्रस स्वतंत्र पुकेसरी, डायथिकस द्विकोष्ठीय पेसिफिक्स्ड आधार लग्न, डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल जो स्पुटन है इसमें अनुद्यदी होता है, पोलन ग्रेन इन टेट्राड जो परागकण होते हैं वो चतुष के अंदर व्यवस्थित होते हैं, गायनिशियम। जाया की बात करें तो 3 to 6 कार्पेल, 3 से 6 अंडप पाए जाते हैं, यूनिलोक्युलर यूनिक एक कोष्ठीय, एपोकार्पस व्युक्तांडपी प्लेसेंटेशन पेराइटल, वित्तीय बीजाण्यस पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है अंडप, फोल्डेड एट एडेक्सियल पार्ट ऑफ मिड्रिप जो मिड्रिप के या मध्य सिरा के अपेक्स भाग पर फोल्डेड या मुड़ा हुआ होता है। फ्रूट या फल की बात करें तो बेरी है इसके अंदर, सीड बीज की बात करें एंडोस्पर्मिक भ्रूण पोष वाला होता है, ट्रिकोटिलीडन्स इसके अंदर 3 बीज पत्र पाए जाते हैं। ये ड्रिमिस का डायग्राम है जिसमें पर्ण और पुष्प दिखाए गए हैं, ट्विक के अंदर कार्पेल के अंदर दिख रहे हैं आपको कि जो सबसे ऊपर की तरफ उभरी हुई संरचना है वो स्टिग्मेटिक क्रेस्ट हैं या स्टिग्मा इसमें डी करंट या दो वर्ती हैं, और फ्लावर के अंदर आपको दिख रहे होंगे स्टेमंस बहुत सारे हैं। तो ये 6 प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का जो हमने उदाहरण की बात देखे हैं इसमें आपको सारे प्रिमिटिव करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं अधिकांशतः, और वेसललेस एंजियोस्पर्म ड्रिमिस भी दिखा है, इसके अलावा आपको स्टेमस का जो नंबर है वो हमेशा इंडेफिनेट दिख रहा है, असंख्य दिख रहा है, और जो भी बाह्यदल पुंज है या दल पुंज है उनका नंबर बहुत अधिक है, वेरी करता है। तो ये इसमें सभी आद्य लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे। धन्यवाद।